गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद आरके साइकोथेरेपी। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर राकेश कृपलानी। माय फूड पार्टनर इज येट टू बी डिसाइडेड। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ फूड पार्टनर। माय ऑफिस पार्टनर, माय स्पेस पार्टनर इज क्यूब स्पेस। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट दैट ड्रीम कम्स ट्रू। व्हेन इट कम्स टू एनी फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ ऑफिस स्पेस, यू शुड वर्क योर सेल्फ नाउ एट क्यूब स्पेस विच इज़ एट सीताबर्डी। इट्स अ को वर्किंग स्पेस सेंटर इन नागपुर। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग को वर्किंग स्पेस सेंटर्स इन नागपुर। यू शुड चेक इट आउट। माई आइसक्रीम पार्टनर इज लिक्स्टर्स। माई हेल्थ पार्टनर इज अपोलो क्लिनिक विच इज एट घाट रोड। माई हॉस्पिटैलिटी पार्टनर इज वन लाइफ। एंड माई स्टार्टअप पार्टनर इज AV e-commerce solutions। अगर आपके पास कोई सामान बेचने के लिए हैं तो उनके पास खरीदार हैं। आज मैं नागपुर महानगर पालिका में हूँ। बहुत बारिश हो रही है आज नागपुर में। सुबह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सभी परेशान हैं। एक तरफ परेशान भी और एक तरफ खुश भी हैं, क्योंकि खुशी इस बात की है कि मौसम बहुत सुहाना है। लेकिन क्या करें, कोविड का ज़माना है और कोविड के ज़माने में हर किसी को बच के रहना है, क्योंकि कहीं बारिश में भीग गए, सर्दी खांसी हो गई, बुखार हो गया और बाद में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो बचते बचाते मैं पहुंचा नागपुर महानगर पालिका, और मैं इस वक्त नागपुर महानगर पालिका के NMC कोविड केयर कॉल सेंटर में हूँ। और मेरे साथ एक जो कोविड केयर कॉल सेंटर है, ये नागपुर के 150 NGOs हैं और 150 NGOs मिलकर उन्होंने एक फ्रंट बनाया है और जिसका नाम है टुगेदर वी कैन। के सभी वॉलंटियर्स मिलकर, और जिनका मैं तीसरी बार इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बात बताना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना प्रशासन काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा NGOs काम कर रहे हैं नागपुर के, और ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन इस वक्त जिनके साथ मैं हूँ वो थोड़ा सा हंस रहे हैं इस बात पे कि मैं उनको तीसरी बार क्यों इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन बात करना उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम पॉजिटिव पेशेंट्स को अगर कोई गाइडलाइंस के फ़ोन्स जा रहे हैं, उनको कोई भी कॉल जा रहा है, उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो NMC कोविड कॉल सेंटर द्वारा दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त नागपुर की जाने मानी सोशल वर्कर अनुसया काले छापरानी है। हेलो अनुसया मैम। हेलो राज। नमस्कार। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग अस, बट आई डोंट नो द पीपल वांट टू सी अस एवरी टाइम ऑन योर शो। इट्स नॉट अबाउट, नो मैम, इफ दे डोंट वांट टू सी दे कैन लुक फॉर अनदर शो, बट देन यू हैव अ लॉट टू टेल। या वी आर, यू हैव अ लॉट टू टेल एंड पीपल शुड नो अबाउट दिस बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड नो दैट व्हाट इज हैपनिंग एट द NMC कोविड कॉल सेंटर। व्हाट्स हैपनिंग? वेल, एट द NMC कोविड कॉल सेंटर वी गेट एन नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम पीपल। We are trying to solve their problems. Some people want beds for at the hospitals. Mm-hmm. Some people are looking for home quarantine solutions. What are the SOPs? Mm-hmm. There are pregnant women. Mm-hmm. There are aged citizens. Mm-hmm. Many facilitations that we are trying to do. Mm-hmm. And talking to all the hospitals from here. Mm-hmm. And we've NMC has also started a portal. Mm-hmm. But again on the portal it is taking a little time. We have said we will make that public in a day or two. Mm-hmm. But unfortunately private hospitals are all at the moment full. Now, okay. Here that what we do is when somebody calls, सबसे पहले हम पूछते हैं कि treatment अच्छी होना, कि everyone says private hospital, government hospital बहुत कम लोग बोलते हैं जी, बट जो private hospitals बोलते हैं उनको ये समझाना पड़ता है हमको कि सर what is important, treatment की facility जी, so that kind of work here. Then again जिसका क्वारंटाइन हो गया है उसके टेंट रिमूव करना है जी, या अगर 17 दिन हो गए तो किसी को लेटर चाहिए, किसी को अभी भी टेस्ट नहीं आई है, किसी का फीवर अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कहाँ जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट टेकिंग प्रेग्नेंट वुमेन, दे ओनली हैव टू गो टू IGMC इफ दे नीड टू डू अ सीजर जी। तो बहुत वियर्ड आते हैं, कहीं पे फियर और स्टिग्मा की वजह से इश्यूज है, किसी के घर में पथराव हो रहा है तो फोन आता है कि कैन यू हेल्प अस जी, किसी के घर में किराना आने नहीं देते तो कैन यू हेल्प अस, एंड ऑफ कोर्स सिंस यू आर आल्सो हेल्पिंग अस, आपको तो पता ही है किस टाइप के कॉल्स आते हैं जी, आई डोंट वांट टू, बट पब्लिक है, उनके क्वेरीज भी जायज है और उनके क्वेरीज आंसर करना ये हमारा काम है। दूसरी चीज, आपने जो बोला व्हाई वी आर डूइंग दिस, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन प्रशासन अकेले अपना काम नहीं कर सकती है, लोग हमारे हैं,
जब तक हम लोग आगे आए हैं, दीज पीपल वी नो द साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत दो प्यार के शब्द भी अगर बोल लेना जी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने में और आसानी हो जाती है, बिकॉज इनको हमारे तरफ से रोज एक कॉल जाता है जी, लिस्ट जब आती है, सो वी डू कॉलिंग टू ऑल द पेशेंट्स, राइट, कहाँ पे है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, किसी के एस्केलेटेड बिल्स आते हैं, किसी को वाकई में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे कि रिलेटिव्स को पता नहीं लग रहा है पेशेंट का क्या स्टेटस है क्या नहीं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं कॉल सेंटर पे। मेरे साथ इस वक्त टुगेदर वी कैन के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ सर। जोसेफ सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। पिछले 6 महीने से, अब 6 महीना ही बोलूँगा, टुगेदर वी कैन बहुत सारे एनजीओज मिलकर जो ये काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी रहा है टुगेदर वी कैन की टीम के लिए, सभी एनजीओज के लिए। सर क्या उस वो सिचुएशन में हम आ गए हैं जब कोविड हमारा पीछा नहीं छोड़ा? सर कोविड पीछा छोड़ा नहीं छोड़ा मैं उसका तो बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इसके साथ आपको और मेरे को भी जीना है, और नंबर्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं जी और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इससे तो एक पक्की बात है कि कमिंग 3 मंथ्स आर वेरी डेंजर फॉर एवरीवन, और इससे अपन को कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है ये सबसे बड़ा चिन्ह है। और जिस तरीके बेड्स और वेंटिलेटर की शॉर्टेज है जी मेरे शहर में जी, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है आज के डेट में। सर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो बड़े, मतलब उनकी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और बहुत सारे बेड्स की ज़रूरत है। क्या नागपुर के पास बेड्स नहीं है? क्या नागपुर बेड्स को लेकर तैयार नहीं है? सर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आज के डेट में तैयार है कि नहीं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी एक है जो एंजाइटी है आज के डेट में जी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बेड ऑक्यूपाई करे है जी, ये हमारा एक अजम्पशन बता रहा है कि 70% जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है जी, इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जिनको होम आइसोलेशन में वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं जी, लेकिन एक जस्ट एक फियर और एंजाइटी कि मेरे को कोरोना हो गया जी, तो मुझे ट्रीटमेंट जरूरी चाहिए, उस एक डर के मारे ये पहले हॉस्पिटल के तरफ भागता है। और सब व्यक्ति जो अफोर्ड कर सकता है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल बोलो तो कम से कम मिनिमम बजट है 1.5 से 2 लाख का जी, दोज हु कैन अफोर्ड दैट, इसको पहले लग्जरी चाहिए, सेकंड कम्स ट्रीटमेंट। तो इस कारण मेरे जो बेड है आज के डेट में जी, दे आर कम्प्लीटली फुल, राइट, इवन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जगह फुल चल रहा है जी। और मैं थैंक्स, मेरा जो कॉल सेंटर है, स्पेशल थैंक्स टू नीरजा मैडम जो पूरा संभालती है। मैं इनका प्रोसेस बता देता हूँ राज भाई कैसा होता है। आज RT-PCR एक टेस्ट है, एंटीजन एक टेस्ट है जी, दोनों की लिस्ट जो है रात को 10 बजे हमारे कॉल सेंटर में आती है। नीरजा मैडम दूसरे दिन उसका सुबह सबका प्रिंट आउट लेती है और पूरे कॉल सेंटर के जितने हमारे वॉलंटियर्स है, पुलिस के जितने मेंबर्स है, उनको हैंड ओवर करती है, और हमारे कॉल का दौर वहाँ से चालू होता है जी। एक रात भर प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो इसमें एक लंबा सिस्टम है जहाँ NMC साथ मिलके काम कर रही है, डिविजनल कमिश्नर हमसे मिलके काम कर रहा है, पुलिस कमिश्नर टीम हमारे संग जुड़ी हुई है जी। और हम NGO सब मिलके एक टीम एज ए टूगेदर वीकेंड करके हम काम कर रहे हैं। सर नंबर्स दिन पे दिन संक्रमक का बढ़ता जा रहा है, क्या ये बात नागपुर शहर क्यों इस बात को लेके अभी भी सचेत नहीं हो रहा है? क्या आप कॉल सेंटर में लोगों को कॉल कर रहे हैं, क्या लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या अभी भी कोविड को बहुत लाइटली लिया जा रहा है? इसमें कोई दो मत नहीं है राज भाई कि ये कोविड को लेके अभी भी हम बहुत कैजुअल है, लाइटली लिया जा रहा, लेकिन कॉल सेंटर में हमारा जब मकसद एक ही है, जब भी जो पॉजिटिव आता है जी, हम पहला लाइन यही शुरुआत करते हैं कि आपने अपने मित्र मंडली को इन्फॉर्म करा कि नहीं करा। पहला व्यक्ति को एक जिम्मेदारी होती है कि जैसा आप पॉजिटिव पाए गए जी, आप अपने ग्रुप में, आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है जी, जरा से स्टिग्मा को साइड में रखिए, आप अपने पूरे ग्रुप में बताइए कि दैट आई केम पॉजिटिव, दोस हु वर इन कॉन्टैक्ट विद मी इन दिस 14 डेज, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके अपना चेक कराइए जी। ये हमारा अभी दायित्व तो बन गया कि हम पहला दिन हमारा लिस्ट आता है और पहला दिन का जो कॉल रहता है, पहला हमारा स्टेटमेंट यही रहता है कि आपने अपने ग्रुप में बताया कि नहीं बताया,
और आपको नंबर बढ़ने का चांसेस और एक है कि टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है राज भाई जी। पहले जो टेस्टिंग 50 होती थी, आज हर लैब टेस्ट में वो 200 के करीब बढ़ गई करके लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आपको जरा सा बढ़े हुए दिख रहे हैं। और ऑफकोर्स ये भी मैं बता दूं कि अभी भी लोग जो है उसको कैजुअली ले रहे हैं, उसका और एक कारण है कि ये जो बढ़ने का प्रमाण जो है जी। आज मैं 1200 के करीब पहुंच गया हूं और 40 डेथ केस मेरे नागपुर जैसे छोटे शहर में 40 डेथ केस इज रियली बिग नंबर एंड स्केरी नंबर। मैम जो रिपोर्ट्स हैं, दो किस्म की रिपोर्ट्स के लिए लोग जाके टेस्टिंग कर रहे हैं, एक है एंटीजन और दूसरा है आरटीपीसी। अब ये दोनों रिपोर्ट्स करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों रिपोर्ट्स में से आप जो भी कराए कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटीजन में यूजुअली अगर पॉजिटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव आए तो लेकिन सिम्टम्स है तो देन दे गो फॉर द आरटीपीसीआर। ओके, एंटीजन इज जस्ट वन दिस दैट इज टेकन स्वैब फ्रॉम द नोज दिस नॉस्ट्रिल। आरटीपीसीआर में आपका थ्रोट एंड नोज का ये दोनों का लिया जाता है विच इज एब्सोल्युटली मोर एक्यूरेट देन एंटीजन। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि एक तो लोगों को टेस्टिंग के लिए डर लग रहा है फियर। अगर थोड़ा भी ये है असिम्प्टोमेटिक हो या कुछ भी हो, द फियर द सोशल स्टिग्मा ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन आवर सिटी। अगर हमने कराया भी टेस्ट तो छुपाते हैं। अगर किसी भी फैमिली के इसमें पॉजिटिव आया तो उनको तारीफ अपने में अगर बोलूंगा तो कैसे चलेगा जी। वो अपने जितने कॉन्टेक्ट में आए उनको भी नहीं बताते हैं जी कि हम लोग पॉजिटिव आए हैं, और या तो हम आइसोलेशन में। थोड़ा भी डर गए तो तुरंत हॉस्पिटल। अब क्या हो रहा है कि ये दो टेस्ट की मात्रा बहुत बढ़ गई है जी। वॉक इन कियोस्क है एंड अच्छा प्राइवेट लेबोरेटरीज में जो हो रहा है वो अलग जी। तो ये सारे जो दोनों मिला के फिगर्स आते हैं तो आप बताइए कि एंटीजन एंड आरटीपीसीआर टुगेदर इफ यू आर डूइंग 3000 टेस्ट हाउ मेनी रिपोर्ट्स विल यू थिंक विल बी पॉजिटिव इन नागपुर? आई डोंट नो 30-70 या कुड बी। सो बेसिकली बिकॉज टेस्टिंग हैज इंक्रीज लाइक सर सेड जी, दैट इज व्हाई द रिपोर्ट। अच्छा अभी किट्स खरीदने भी लग गए लोग, घर पे भी टेस्टिंग करने लग गए जी। सो अनदर रीजन कि व्हाई द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, पीपल डोंट वांट टू शो या कम आउट एंड डू द टेस्ट जी। तो एंटीजन किट जो है वो घर ही लेके जाते हैं या एंटीबॉडी भी लेके जाते हैं। अच्छा एंटीबॉडी अगर नेगेटिव आई तो फिर एंटीजन कराते जी, फिर एंटीजन में कुछ इश्यू आए तो आरटीपीसीआर कराते जी। एक मतलब अभी तो ऐसी हालत है कि एक आध व्यक्ति जो हमको कॉल्स आ रहे हैं 7-8 बार टेस्ट करा रहे हैं, तो ये तो और भी ज्यादा चिंता का विषय हो गया। बिल्कुल है, क्योंकि अगर वाकई में किसी को टेस्ट की जरूरत है, जैसे मैंने आज कराया जी, मैं फ्रंट लाइन पे हूँ, चलो ठीक है जी, मुझे टाइम टू टाइम कराना जरूरी है सो आई डोंट डैमेज अदर पीपल जी। बट जिसने ऑलरेडी डैमेज कर चुका है जी, पॉजिटिव अगर है, वो विश्वास ना करके 3-4 बाद फिर से टेस्ट कराने जाता है। वो वहां अगर नेगेटिव आए तो बोलता नहीं यार मैं पहली बार पॉजिटिव आया एंटीजन में, अब मैंने ये करा इसमें नेगेटिव आया जी, दोनों में से कौन सी सही है, मैं तीसरे बार टेस्ट कराऊंगा जी। तीसरे बार अगर पॉजिटिव आए तो एवरेज में आप क्या रहोगे? पॉजिटिव रहोगे जी। फिर भी विश्वास नहीं है, फिर से चौथी बार जाके कराना है जी। सर मेरा आपसे एक ये जो बात आप कह रहे थे सर, मुझे ये एक सवाल आपसे पूछना है कि ये जो कन्फ्यूजन है प्राइवेट लैब और एनएमसी लैब में, एक कन्फ्यूजन है सर कि प्राइवेट लैब में पॉजिटिव आ गया लेकिन एनएमसी लैब में नेगेटिव आ गया, ये रिपोर्ट को लेके सर एक संदेह बनता है, एक सवाल बनता है। आप टुगेदर वी कैन के प्रेसिडेंट हैं, आप ये सब चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? सर मैं इसमें तो सिंपल बताता हूँ कि जिसकी क्षमता है पैसे की जी, तो आप आरटीपीसीआर भी करा सकता है और एंटीजन भी करा सकता है। पॉसिबिलिटी है, ह्यूमन एरर है, बिकॉज जो भी टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन है ये ऑल आर ह्यूमन बीइंग जी, हो सकता है कि ऊंच नीच हो जाती होंगी 5-10%। आई डोंट वांट टू गो इन द फिगर बट फ्यू केसेस हमने कॉल सेंटर में देखे, व्यक्ति दो टेस्ट कराता है नेगेटिव और पॉजिटिव आता है। बट इन ए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी मैं हर व्यक्ति से दरखास्त करता हूँ कि जब आप पॉजिटिव आ गए हैं जी तो उसमें क्या जाता है आपको 10 घर में रहने से। आप 10 घर में रहोगे तो आप सोसाइटी के लिए वरदान के रूप में काम कर रहे हो, परिवार के लिए वरदान का रूप काम कर रहे हो कि चलो एक लैब में आपको नेगेटिव दिखा बट आप मान के चलो आप पॉजिटिव है, 10 आप होम आइसोलेशन में रहेंगे तो आपका फायदा जरूर है। आप अपने परिवार को ही बचा रहे हो और सोसाइटी को ही बचा रहे हो,
तो आप उसमें कोई ऐसा अपना कुछ डलाइमा में नहीं रहना है आपको कि मेरे संग ऐसा छेड़छाड़ हो जा रही है। अब लोग अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि मैं पॉजिटिव आए तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए जा रहे हैं जी, तो ये सब अफवाह है। ठीक है, ह्यूमन एरर है, पॉसिबिलिटी है, दो डिफरेंट है। द स्वैब इज टेकन जी, यू इफ इट्स डीप रूटेड इन्फेक्शन एंड द वे इट्स इंसर्टेड, अपने अगर यहां तक थ्रोट पे लिया सर ऊपर ऊपर तो मे बी नेगेटिव भी आता है। इट इज हाउ योर स्वैब इज टेकन जी, और नोज का भी जो है इट गोस टिल हियर, राइट अप टिल हियर जी। सो कई बार ऐसे होता है कि द सैंपल इज नॉट टेकन प्रॉपर्ली आल्सो। अच्छा, हाँ, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आल्सो। ओके, कई लोग जिनको सहन नहीं होता वो एकदम खींच लेते हैं या पुल कर लेते हैं। मैम, हमारी एक व्यूअर हैं जो इस वक्त यूएई से आपको देख रही हैं, उनका नाम है समीक्षा सायश। समीक्षा पूछ रही है कि हाय मैम, आई वांट टू नो दैट इफ एनी पैसेंजर इज ट्रैवलिंग इंटरनेशनली टू नागपुर देन व्हिच टेस्ट and on which days the passenger has to undergo and it will be conducted by NMC? That's the question. Go or come? The person is traveling from internationally, so they have outside. To do the test there 36 hours before the travel. Okay. They have to submit the report to the SDO here for travel, and once they travel back, 7 days of paid quarantine if you're coming from abroad. Mm-hmm. And then 7 days of quarantine at home. Okay. So RT-PCR or whichever test is done in that country can be done. But 36 hours before travel, they have to give the do the test and submit the report. सर, एक सवाल और बार बार यू नो उठ के आ रहा है, जो शायद NMC के कॉल सेंटर में भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि बेड्स क्यों नहीं है, इस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? सर, मैं यही बोलूँगा कि दोनों तरफ से गलती है इसमें। मैं दोनों को ब्लेम करूँगा, प्रशासन को भी ब्लेम करूँगा और प्राइवेट हॉस्पिटल और सबको मैं करूँगा। मेन आज के डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं बताना चाहूँगा, कैपेसिटी सबकी 600-600 बेड की है जी, लेकिन इमेंस शॉर्टेज ऑफ मैन पावर जी, बोथ IGMC GMC। यहाँ मैं प्रशासन को दोष दूंगा कि प्रशासन ने मार्च में अप्रैल में इन्होंने फोरकास्ट नहीं करा था कि मेरा फिगर कितना बढ़ने वाला है जी। आज मेरे को जो वैकेंसी फिलअप करना था मैं उसको फिलअप नहीं कर पाया टाइमली। कोशिश चालू है, सब लोग की कोशिश चालू है, हम भी एज ए NGO गवर्नमेंट को मदद कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देने की, लेकिन मैं ज़रा स्लो चल रहा हूँ इसमें। और इसमें स्लो इसलिए चल रहा हूँ, इसमें हम बोलते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है फाइल ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट पास होने में जी, ठीक है, हो सकते हैं जो मेरे डिविजन कमिश्नर मैं जानता हूँ इज़ वेरी एग्रेसिव जी, वेरी एक्टिव, ठीक है, लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट है जी, आई नो मैं जरा सा बोल रहा हूँ आउट ऑफ द वे जाके, बट दे आर बिट स्लो टू क्लियरिंग द अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू के लिए करके लिए जरा सा प्रोसेस लेट हो रहा है, बट डिपार्टमेंट इज डूइंग द लेवल बेस्ट। प्राइवेट का मेरा जरा सा सोचने का तरीका अलग है जी, कि जब मैं NMC की लिस्ट निकाल के देखता हूँ तो एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी रहती है 105 जी, किसी ने परमिशन लेके रखा हुआ है जी, लेकिन ऑपरेटिंग में वो सिर्फ 30 बेड है 40 बेड लेके चालू है जी, और और लेकिन इसमें तकलीफ ये आ रही है 40 बेड में से जो जेन्यून पेशेंट है जी, जो जेन्यून पेशेंट को बेड मिलना चाहिए दे आर नॉट गेटिंग दैट बेड। ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो घर में रह सकता वो अपने कॉन्टैक्ट और जितने पहचान के थ्रू प्रेशर के थ्रू वो बेड लेता है और वहाँ एडमिट हो रहा है। सर, क्या ये NMC का कंसर्न, NMC कॉल कोविड कॉल सेंटर का कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि क्या सर वाकई में हमारे ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया जा रहा है? क्या नेता भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को बेड्स दिलाने में? है कई तौर पे, अब मैं जब देखता हूँ तो कॉल तो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग से कॉल जा रहे हैं बेड अवेलेबिलिटी के लिए जी, ठीक है। ये जो मेरे को हमारे को जहाँ जानकारी मिल रही है, आज हमारे टुगेदर वीकेंड ने ये डिसीजन लिया है जी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बेड का जो शॉर्टेज चालू है। हाँ, हम सब लोग से एक बार मिलके प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलके अधिकारी से मिलके और एक मीटिंग कॉल करने वाले हम लोग, ताकि इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके जी, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैम, NMC कोविड कॉल सेंटर में अब दिन में हजारों कॉल्स किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ जो कॉल सेंटर है ये सिर्फ दिन के लिए है या ये 24 घंटा काम कर रहा है? ये 24 घंटा काम करता है, अगर हम लोग घर भी गए
तो यहाँ से जब कॉल आता है तो मोबाइल पे वो लोग हमको फोन करते हैं. वी आर गिविंग आवर मोबाइल नंबर्स आल्सो बिकॉज जैसे सर ने बोला कि वाकई में देखो कैसा है राज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड एट अ स्मॉल कैपेसिटी. पहले दिक्कत ये थी कि 80-20 गवर्नमेंट का है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द लाइफ लॉन्ग दिस ना, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ 8 मंथ्स मैक्स. टूडे माई सिटी इज सफरिंग. All these doctors have built such big hospitals thanks to our city people only. Right. हम ही बिल भरते हैं जब जाके इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स. मैं भी प्राइवेट में ही जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं. जी. बट मैं बिल भर रही हूँ ना. At other given times I don't even ask. पर अभी अगर गवर्नमेंट ने कैप डाला है या कोई इसमें प्राइस करने के लिए बोला है जी. तो देर इज नो हार्म. पूरी लाइफ पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए. बट टूडे एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, as a responsibility to the city and its citizens, the same private hospitals, if they come forward on their own also. मुझे आज ही किसी ने बोला कि जब कमिश्नर सत्य मुंडे सर जबरदस्ती किए, बोले चालू नहीं किया तो जेल में डालेंगे, ऐसा वैसा. ये टाइम आना ही क्यों चाहिए? उल्टा मैं तो बोलती हूँ, मेरा अगर हॉस्पिटल वाकई में रहता, मैं खुद आती आगे और मैं खुद आके बोलती कि मेरा हॉस्पिटल मेरे नागपुर करो के लिए बिल्कुल है. अगर तकलीफ है, पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं और कोविड के लिए चाहिए, तो आई विल फॉरगो ऑल दैट प्रॉफिट्स फॉर द टाइमिंग फॉर 3-6 मंथ्स. एंड प्रॉफिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कॉस्ट टू कॉस्ट तो मिल ही रहा है जी. इट्स नॉट एज इफ कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं मिल रहा है. बट पीपल आर रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर. अब डैशबोर्ड जो शुरू हुआ है, लेट मी टेल यू, यस प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू फिल देयर वेरी बुक, दे आर लैक ऑफ स्टाफ. उनके अभी पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स सब हम समझ सकते हैं. लेकिन अगर इन्फ्लुएंशियल लोगों का, जैसे सर ने बोला, या पॉलिटिशियंस का, या किसी का, इसका उसका मेरा, अगर असिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक बड़े बड़े लोग जाके अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो वाकई में जिसको जरूरत है वो कहाँ जाएगा? और आई विल रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन नागपुर थ्रू यू. आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, वेल विशर्स, सिटीजन्स, प्लीज इफ यू नो एनीबडी, टॉक टू ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. जो लोग फेस कर रहे हैं तकलीफ, वो हम जानते हैं. इस कॉल सेंटर पे लोग रो रहे हैं कि मेरे पापा को बहुत तकलीफ है, मेरी मम्मी को तकलीफ है, मेरे भाई को, बहन को, जो भी, लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है. तो अगर आप इन्फ्लुएंस भी लगा रहे हो तो ऐसे व्यक्ति के लगाइए इन्फ्लुएंस जिसको सही में तकलीफ है, ना कि माइल्डली सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक जो घर पे रह सकते. टेक दिस फियर आउट. असिम्टोमेटिक कैन बी ट्रीटेड एट होम. And I would request all the private hospitals as a social responsibility, kindly come forward. 50-50% भी आपने ऑपरेट किया. हम ये नहीं बोल रहे नॉन कोविड पेशेंट्स को निकाल दो जी, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत कोविड पेशेंट्स को है. थोड़ा सा रियलिस्टिक बनिए, थोड़ा आगे आइए. वी नो योर डिफिकल्टीज, बट वी रिक्वेस्ट यू एंड अपील टू यू. वी आर हियरिंग क्राइज ऑफ सो मेनी पीपल ऑन द फोन. उनके भी अपने जिससे गुजर रहे हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं. प्लीज आगे आइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और शुरू कीजिए, और गवर्नमेंट के साथ मिलके हम सब मिलके ये ओवरकम कर सकते हैं. सर, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आपको बीच में आए थे, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ और मैं आपको परेशान भी बहुत ज़्यादा देख रहा था जब कॉल्स आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा. और वहाँ पर सर, आप बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी आप मदद नहीं कर पा रहे थे, क्या ये कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहा है? ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज का ये केस है. मैं सुबह से वो लड़की को लेकर बड़ा परेशान था जी. कोशिश आज भी जारी है, अभी भी जारी है कि उसके पापा के लिए हम कुछ कर सके. फिर से जैसा मैडम ने बोली है, मैं हर हॉस्पिटल से गुजारिश करूँगा कि सबकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है. आज भी वो लड़की का मेरे अभी भी जा नहीं रहा है कि एक हॉस्पिटल ने 65,000 का बिल दिया है 5 दिन का, 50,000 का सिर्फ दवाई का बिल दिया है 5 दिन का, और उसे आज फिर बोला गया कि 50,000 दे. और लड़की जो है, छोटी सी बच्ची है, शी इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे. तो एक ऑड केस नहीं है ये, ऐसे कई लड़की है, कई फैमिली का केस है जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, जिनको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए. बेचारे चाहते हैं कि हमारे भी परिवारजन प्राइवेट में जाए. सबकी मैं शॉर्टकमिंग समझता हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल से फिर गुजारिश करूँगा कि कमाने के दिन अपने पास बहुत है. सिर्फ जरा सा ह्यूमैनिटी ग्राउंड में एटलीस्ट ये 3-4 महीने सिर्फ परिवारजन को मदद करिए. मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन सही में बड़ा चिंता का विषय है यह.
मैम नंबर्स जो हैं वो कॉल सेंटर पे भी बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, टुगेदर वी कैन के वॉलंटियर्स का उत्साह कम तो नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल, निराश तो नहीं हो रहे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वी ऑल आर फाइटर्स, वी आर फाइटिंग इट आउट, वी आर हियर फॉर द पीपल एंड वी विल हेल्प द पीपल कम व्हाट वे। कई बार रात को मैं बताई ना, ऐसे होता है जब किसी का सॉल्व, जैसे सर ने बोला लड़की का, ऐसे कई केसेस जब हम थोड़ा टाइम लग जाता है सॉल्व नहीं कर पाते तो अंदर से एक बहुत टूट जाते हैं कि भाई क्या करें, इनको कैसे दिलाएं, बट वी नेवर गिव अप। कहीं ना कहीं हम वो करते ही है, वी आर आफ्टर इट द होल डे एंड वी सी टू इट दैट दैट गर्ल गोज बैक। आपको बहुत फीडबैक्स भी आ रहे हैं, पीपल कॉल टू से कि मैम मैं भी अच्छा हूँ, सर अच्छा हूँ, मेरे घर वाले आ गए वापस, थैंक यू सो मच। सो दैट इज आवर मोटिवेशन, इन फैक्ट दैट इज आवर मोटिवेशन। कुछ सवाल और भी आ रहे हैं मैम कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलोनी में कोई पॉजिटिव था, उनका पूरा का पूरा बिल्डिंग अब सैनिटाइजेशन करना है, ऐसे भी सवाल आ रहे हैं? हाँ जी, तो ये मैं अभी एक बात बोलूंगी, बहुत हमारे को भी सैनिटाइजेशन के फोन आ रहे हैं जी। पॉसिबल था पहले जी, कैसे पहले नंबर्स कम थे तब NMC वाकई में सैनिटाइज कर रही थी जगह जगह जाके, बट अब जिस हिसाब से नंबर्स बढ़े हैं, नॉट ओनली दैट NMC का खुद का स्टाफ भी बहुत सा पॉजिटिव हो गया है जोन्स में भी और यहाँ पे भी सिविल ऑफिस में भी जी। तो ऐसे स्थिति में एक्सपेक्टिंग कि आपके जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पॉजिटिव आ गए, आपके पट से सैनिटाइज करो, एक और कैसा है ना, लोगों को खर्चा नहीं करना है जी, थोड़ा भी, सब फ्री में चाहिए और सब मेरे दरवाजे पे चाहिए जी। ये हो गया है स्थिति, हर कोई जो फोन में तो समझाती हूँ फोन पे कि भैया अगर सैनिटाइज नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेटॉल दो चार बूंद डेटॉल डालो, अपने घर का पोछा करो, अपने सोसाइटी में बोलो थोड़ा स्प्रे ये कर लो, छिड़क लो, या तो प्राइवेट वाला बुला के सैनिटाइज करवा लो, विच इज नॉट अ बिग कॉस्ट, विच इज नॉट अ बिग कॉस्ट जी। एंड द काइंड ऑफ मनी वी स्पेंड ऑन आवर पर्सनल नीड्स जी, एक्चुअली टुडे इफ वी नीड टू स्पेंड फॉर द सैनिटाइजिंग ऑल्सो टुगेदर, अगर सब लोग ने मिलके वो क्या कहते हैं मंथली कर ये टच कर दिया जी, तो क्या फर्क पड़ता है, आप मेंटेनेंस देते हो जी, हैव अ पूल, रिजर्व पूल, राइट, यार करवा लो ना, क्योंकि वाकई में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये लोग 11-12 बजे तक ये भी हमारे साथ साथ ही बैठे रहते हैं, स्टाफ काफी सारा पॉजिटिव हो गया है। कई बार ऐसे होता है कि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आएंगे 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 और लोग जाते नहीं है जी। तब हमको हेल्पलाइन पे आता है तो हम ये समझा देते भैया आपको सैनिटाइजिंग करवाना ये नंबर है, प्लीज वाकई में इतना नहीं, हम जो भी थोड़ा बहुत कम करवा लेंगे खर्चा करवा लीजिए। मैम डॉक्टर NMC कुछ लोग पॉजिटिव आए, उनका कहना था कि हमारे यहाँ NMC की तरफ से डॉक्टर नहीं आया, दवाई नहीं मिली, इस पे क्या सोचना है मैम, ऐसी क्वेरीज आ रही हैं? हाँ, सबसे पहले तो असिम्प्टोमेटिक की अगर बात कर रहे हैं, तीन गोलियां हैं जी, तीनों गोलियां बहुत ही सस्ती है, ठीक है, आई नो महानगर पालिका जाती है करती है, लाइक आई सेड टुडे 1100 बारिश थी जी, दे देमसेल्व्स हैव टर्न पॉजिटिव क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम जी, इट्स बीन 5-6 मंथ्स जी, अगर स्टाफ भी रिप्लेस करे अगर वैसा माने तो भी घर घर जाना रोज, द डे दैट लिस्ट कम्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं बता सकती हूँ हमारे पास जब 1100-1300 की लिस्ट आती है, कॉलिंग सो मेनी पीपल इन वन डे इट्स नॉट पॉसिबल, हम 15-20 लोग बैठने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि तो इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा पेरिफेरी है, ऊपर से आई टेल यू दिक्कत क्या है, लोग अपना नंबर देते, कई लोग नंबर गलत दे रहे, ठीक है, कई एड्रेस गलत दे रहे, जस्ट जरी पटका लिख दिया, जरी पटका पहुंच जाना, अरे भाई जरी पटका में तू क्या कोई बहुत ये है क्या, तेरा नाम बहुत फेमस है क्या, जो जरी पटका पहुंच जाना, और ZMO को भी ऐसे ही बोलते या हेल्थ टीम को भी, मैं जरी पटका में आ जाना मेरा नाम पूछ लेना जी, बाबा ऐसे नहीं पहुंच सकते जी। तो ऐसे इसमें भी थोड़े इश्यूज होते हैं और एक्सपेक्टिंग द सेम डे इमीडिएटली नॉट पॉसिबल जी, अपनी हेल्थ है, जब मैं बाकी चीजों में नहीं पूछती यार प्रशासन को, तो ये चीज के लिए बड़ा वेट करते हैं हम लोग जी, कि आएंगे सब फ्री में करके जाएंगे, हाथ में गोली देके जाएंगे तो खिला के भी जाएंगे, अब आगे ये भी एक्सपेक्टेशन आएगा है ना जी। तो जो चीजें हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना लोगों को जरूरी है, तीन गोलियां सस्ती है। अच्छा, जो घर में पॉजिटिव सब आ जाते हैं वो लोग बोलते हैं मैडम सब पॉजिटिव है, NMC आई नहीं अभी तक, भैया नहीं आई कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, जब वो दवाई आ जाएगी वो भी आप ले लीजिएगा जी, आज हर कोई अफोर्ड कर सकता। हाँ, जिसको वाकई में तकलीफ है तो हमने भी कई जगह वॉलंटियर्स दवाई लेके भेजा है जी, ऐसे नहीं कि नहीं भेजा है, बट अब टेस्टिंग बढ़ गई है, केसेस बढ़ गए, वाकई में मैं सच्चाई से बोलती हूँ दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ पीपल,
देयर हेल्थ आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड. ऊपर से सीजन इज नॉट वेरी गुड ऑल्सो, नेचर इज नॉट ऑल्सो विथ अस. ये सारी चीजें अगर देखो तो बहुत दिक्कतें हैं. हम एक घर में जब घर चलाते हैं तो कितनी दिक्कतें आती है जी. ये तो पूरा शहर चला रहे हैं जी. ऊपर से अभी अगेन न्यू स्टाफ, न्यू ये हेल्थ के जो सर है, जो हेड कर रहे हैं, वो खुद पॉजिटिव हो गए सभी सर जी. अब 17 दिन वो क्वारंटाइन में है जी. तो ऐसी सारी चीजें होती रहती है. डोंट वेट फॉर सैनिटाइजिंग, गेट योर बिल्डिंग और योर हाउस सैनिटाइज्ड एंड यूज डेटॉल इन योर पोचा एवरी डे. और मैम वो तीन गोलियां कौन सी हैं जो? लिम्सी, बिकासोल, जिंक सल्फेट. ओके, एक चीज और, आइसोलेशन इज 10 डेज. 10 डेज आइसोलेशन, 7 डेज होम क्वारंटाइन. लोगों को डिफरेंस नहीं पता क्वारंटाइन और आइसोलेशन का जी. सबको लगता है क्वारंटाइन मतलब घर में और आइसोलेशन मतलब भी घर में. नहीं, 10 दिन आप कैरियर हो वायरस के, 10 दिन आपको टोटली अलग से अलग रहना है कमरे में जी. फिर 7 दिन घर के घर में रहना है माहौल में एडजस्ट होने के लिए. 17 दिन बाद आपको बाहर निकलना है जी. ये है सर. एक विषय और गंभीरता जा रहा है जिसके लिए आपके NMC कोविड कॉल सेंटर के नंबर्स जो हैं वो ज़्यादातर बिजी आ रहे हैं, इस बात को लेके कि एम्बुलेंसेज अवेलेबल नहीं है सर. क्या ये चिंता का विषय है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है. इसके लिए टुगेदर वी कैन कई दिनों से कोशिश कर रहा है कि अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल की जो बस कार है छोटी वाली 4-व्हीलर जी, ये कई घर में खड़ी है जी. और अभी नाउ वी आर अप्रोचिंग जो ड्राइवर है, चालक मालक जी, ऐसे कुछ लोगों को टीम बना के ताकि उनको भी कई दिनों से वो बेरोजगार हैं, उनका कोई इनकम नहीं है जी. तो वी आर अप्रोचिंग दिस पीपल यूज देयर मारुति वैंस जी और 4-व्हीलर टू बी यूज जी टू शिफ्टिंग द पेशेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल टू बी यूज एज एम्बुलेंस. ये चालू है हमारा. और दूसरा विषय मैं आपको बता दूं राज भाई, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आ रही है वो है बॉडीज को लेके जी. बॉडीज आप एम्बुलेंस की बात करें, जो शव वाई का है जी, इसकी भी नंबर्स बहुत कम है गवर्नमेंट के पास और हॉस्पिटल के पास. उसके लिए भी टुगेदर वीकेंड की जो टीम है ऑल रिलीजियस लीडर्स लोग अप्रोच कर रही है, क्योंकि हर मंदिर, हर मस्जिद और हर चर्च के बाद ये शव वाई का खड़ी है जी. अब हम इनको भी पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बॉडी को निकालने के लिए जी करीब करीब 3-5 घंटे मिनिमम लग रहे हैं. और आपको सरप्राइज होगा कि मॉर्चरी में अभी जिस तरीके से रेट बढ़ गए जी, एक मॉर्चरी में कैपेसिटी है करीब करीब 10 या 12 बॉडीज को रखने की जी. लेकिन जिस तरीके से आज 42 हो गए तो वो भी एक चिंता का विषय है. तो हम जिस तरीके से जिस स्पेस में अगर मेरे को शव वाई का मिली तो हो सकता मैं जो है जो 5-6 घंटा लग रहा वो मेरा 2 घंटे में वो पूरा निकल जाए. हाँ सर, एक चीज़ ये एक सवाल और जो बार बार NMC कोविड कॉल सेंटर में बार बार फ़ोन करके पूछा जा रहा है वो है कि डॉक्टर नहीं आ रहे. तो सजेस्ट किया गया कि ई संजीवनी OPD का इस्तेमाल किया जाए. इज द ऐप रियली वर्किंग सर? उसमें भी जरा सा इशू है ऐप में भी. इनिशियल फेज में वो ऐप बड़ा अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अभी जो हमारे पास कंप्लेंट आ रही है जी, डाउनलोड होने में जरा सा दिक्कत जा रही है उसके लिए. और जैसा मैडम ने अभी एक्सटेंशन करी थी बात बोलते हुए जी, कि प्रोटोकॉल के अनुसार NMC के डॉक्टर को विजिट करना है, लेकिन जब स्वयं NMC के अपने स्टाफ जिस पेस में पॉजिटिव होते जा रहे हैं जी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, गांधी बाग जोन के 90 स्टाफ जो है वो पूरे पॉजिटिव हो गए. और करीब करीब 10 दिन के लिए, 8-10 दिन पहले की बात है कि वो जोन को बंद रखना पड़ा जी. इस नंबर से, इस तहताज से जो बढ़ रहा है तादाद से लोगों का पॉजिटिव, तो हर इंसान है तो ज़रा सा हमको मदद करना है. दैट्स द रीज़न हम कॉल सेंटर से उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं. और मैडम ने जैसा बोली है कि जितने भी कॉस्ट है मेडिसिन की, इसमें कोई भारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है जी, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है जी टू ऑल द पेशेंट्स जी. और डेथ रेट है, मैं लास्ट टाइम भी जैसा बोला, ओनली 2% जी. और 98% जो है ये अपना 17 दिन का होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन से बिल्कुल निश्चित रूप से बाहर स्वस्थ जीवन गुजार सकता है. लेकिन अपना इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उसको विटामिन सी, जिंक सल्फेट और मल्टी विटामिन लेना, ये बहुत अनिवार्य है.
सर, जब 6 महीने पहले टुगेदर वी कैन ने ये पूरा का पूरा कोविड के लिए काम करना शुरू किया, मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जब आपने श्रमिकों के लिए काम किया, उसके बाद फिर तो श्रमिक सेंटर्स बने, उसके बाद फिर आपने जो लोग यहाँ से पास ऑन हो रहे थे श्रमिक, उनके खाने पीने का ध्यान रखा, उनके लिए गाड़ियाँ अरेंज करी, आपने बहुत सारा काम किया। उसके बाद सर कोविड वेंट रियली स्ट्रॉन्ग, तो आपने और भी बहुत सारी चीज़ें काम की। आपके साथ दो लोग और थे जो टुगेदर वी कैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, और आज की तारीख में वो दोनों टॉप नॉच ऑफिसर्स कोविड पॉजिटिव हैं। डज दैट इफेक्ट? नहीं सर, देखो एक जो व्यक्ति है, मैं तो बोलूँगा कि हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब है, 23 मार्च से हमारे संग जुड़े हैं जी। ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया जी, और अनु मैडम का एक इनिशिएटिव था कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पहले डिपार्टमेंट के आ रहे थे वो कैसा ख़त्म करें, अनु मैडम के इनिशिएटिव में पूरा टीम बनाया गया ये, और फिर भरने साहब के इनिशिएटिव में म्युनिसिपल कमिश्नर नागपुर पुलिस मिल के काम करे हैं जी। और आज के डेट में NMC के अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे साथ कॉल सेंटर में बैठते हैं जी। तो डेली, अभी भी आधा घंटा पहले मुझे एडिशनल कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था जी, कि नए साहब आए, जानकारी लिए कि क्या क्या चल रहा है, तो उनको मैंने ब्रीफ करा हूँ जी। तो डेली बेसिस में हमारे संपर्क में है, दे आर द रियल मोटिवेटर फॉर अस, और उनका साथ हमें मालूम है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी दोनों रिकवर करके वापस आए, और इट वॉज नॉट ए राइट टाइम फ्रेंकली स्पीकिंग एज ए टूगेदर वी कैन, कि मैं ये बोलना चाहूँगा ओपनली कि आज जो ट्रांसफ़र कराया गया इट वॉज नॉट ए राइट टाइम टू ट्रांसफ़र, कि आज के टाइम में हमको ऐसे ऑफिसर की सख्त ज़रूरत थी। इवन देन हम उसमें कोई बोल नहीं सकते, हमारा तो प्रोसेस है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। और कुछ सर, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, वन थिंग यू वुड लाइक टू से टू ऑल द पीपल हु वुड बी वॉचिंग द शो और हु आर वॉचिंग द शो राइट नाउ, वन थिंग विच टुगेदर वी कैन की पूरी टीम का आह्वान है जितने भी लोग नागपुर में रहते हैं उन सबसे? एक ही रिक्वेस्ट है सर कि इससे पैनिक मत हो, ये बीमारी जो है इतनी बड़ी नहीं है, वाकई में बड़ी है जो सीनियर सिटीजन और बच्चे लोग के लिए जी। बाकी जनता जो एसिम्प्टोमेटिक है, कि आज ही एक मैं केस देखा मुझे डॉक्टर से जब मैं चर्चित कर रहा था जी, कि लोग 40 ईयर्स और 44 ईयर्स और 33 ईयर्स में अपनी जान जा रही है वो सिर्फ एंग्जाइटी के कारण जा रही है जी। उसकी जो लड़ने की शक्ति है, कोरोना नाम सुन के डर रहा है जी, तो उनसे कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर लोग आपके साथ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, सिर्फ ये खौफ आप बाहर निकालिए, आपको जिद्दी बनना है कि कोरोना एक चीज़ नहीं, कोरोना से मेरे को फाइट करना है जी। बट 70 ईयर्स का जो पेशेंट है, 60 एंड अबो जी, उनको जरा भी सिम्टम्स आता है उनको इमिजिएटली हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये मैं आपको बोल दूँ। नहीं तो कोरोना से कोई घबराने की बात नहीं है सर, निश्चिंत रहिए आप, 98% जो है पेशेंट रिकवर होके घर वापस आ जाता है 17 दिन में सर, प्लीज़। अनुसय मैम, NMC कोविड कॉल सेंटर, लोगों के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लोग देर आर बम्बार्डिंग ऑफ द कॉल्स, द नंबर्स आर बिजी समटाइम्स, पीपल गेट अ लिटिल अनवॉइड, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी कॉल्स गए हैं जिनके यहाँ ऑलरेडी मृत्यु भी हो चुकी है। तो what do you want to say, just you know a last message to all the people who are watching you right now and who will watch you in the next watch See, party I will say take become responsible citizens, kya hai ye jo social media hai isse humko ek bahut acha power diya hai, but some are misusing it, some are really using it properly. Jaise ab jab hospital ki list nikalti hai ji, dan hospital ki list viral ho jati hai ji, people don't know whether those hospitals have really started not started. I don't know who leaks the list, we don't want to blame anybody, but sab jagah ji jo numbers aate hain doctors ke wo bichare owners hi rehte hain ji, they are as it is in so much of work ji, usme aapka agar तुरंत पेशेंट आता है सिम्टोमेटिक, यू विल इमीडिएटली पिक अप एंड कॉल। तो यूज द सोशल मीडिया वाइजली, डू नॉट सर्कुलेट दिस लिस्ट, डू नॉट सर्कुलेट नंबर्स, डू नॉट सर्कुलेट पैनिक। अनदर थिंग इज रूमर्स, ये हॉस्पिटल में ये हो गया, वो हॉस्पिटल में कुछ कम ज्यादा हो गया, वट एवर इट इज, पीपल आर मेकिंग वीडियोज वायरल, पीपल आर मेकिंग इवन टेस्ट रिजल्ट, वेदर टेस्ट इज करेक्ट नॉट करेक्ट वायरल, एंड लाइक इडियट्स
वी बिलीव वट एवर इज कमिंग ऑन द व्हाट्सएप और द फेसबुक और वट एवर जी प्लीज डू नॉट बिलीव ऑल दैट बिलीव इन योर सेल्फ बिलीव इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग फॉर यू देर इट मे भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है लेकिन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन काइंडली अंडरस्टैंड इफ नो बडी इन योर फैमिली और नो वन हैज एनी कोविड ये खुदा ना खास्ता अच्छी बात है अगर नहीं है तो लेकिन आप जो है आप भी जो स्प्रेड करते हो उससे क्या है पैनिक सिचुएशन आ रहा है सिटी में वाकई में पैनिक सिचुएशन आ रहा है जी तो अगर इवन घर पे हम रिस्पॉन्सिबली रहे मैं कई जगह देख रही हूँ लोग मास्क नहीं पहन रहे लोगों को लग रहा है क्या कोरोना वरना कुछ नहीं है जी भीड़ अभी भी कर रहे हैं अरे कब सीखोगे अगर जब तक आप पे बीतेगी नहीं तब तक नहीं सीखोगे क्या तो सोशल मीडिया का वापर अच्छे से कीजिए पैनिक कम फैलाइए शहर में एक दूसरे की मदद कीजिए अगर किसी को किसी के यहाँ पॉजिटिव है तो सोशल स्टिग्मा मत कीजिए ये छूत अछूत की बीमारी नहीं है इट्स अ वायरस अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग एवरीबडी इट्स अ वायरस स्प्रेड गुड मैसेजेस लेट अस स्प्रेड गुड एंड पॉजिटिव मैसेजेस व्हाट आर द एसओपीज व्हाट आर द सॉल्यूशंस हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर कैसा है क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में डैशबोर्ड शुरू हो गया जी हॉस्पिटल्स अपडेटिंग आई एम अ हूज़ हू आई कॉल अप मेरा परिचित मेरे परिचित ने बुक कर दिया यहाँ से अगर किसी वाकई भी सीरियस पेशेंट के लिए कॉल गया है जी. वो बेचारा सीरियस पेशेंट वंचित रह जाता है जी. उसको बेड नहीं मिलता है वो जो हूज़ हू ने फोन किया है उसके व्यक्ति को बेड मिल जाता है जी. तो ऐसे इसमें दैट इज वाई डेथ केसेज ऑल्सो आर इंक्रीजिंग बिकॉज सीरियस पेशेंट नीड आईसीयू दे नीड वेंटिलेटर्स सो दोज यू कैन कीप वेकेंट अभी मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे कुछ मतलब मेरे ही रिश्तेदार हैं जरूरत नहीं थी उनको आईसीयू की लेकिन उनको जाते साथ ही आईसीयू में रखा गया फिर बाद में देखा थोड़ी देर बाद तो फिर उन्होंने बोला अरे नहीं इनको तो आईसीयू की जरूरत नहीं कैन बी शिफ्टेड टू वार्ड हॉस्पिटल वॉज सेंसिबल दे इमीडिएटली शिफ्टेड हिम फ्रॉम द आईसीयू टू अ वार्ड सेकेंड आई विल टेल यू अनदर हॉस्पिटल विच सेड फोर डेज दे केप्ट हिम वार्ड दिया फिर दो दिन आईसीयू चार दिन बाद उसको नेगेटिव की रिपोर्ट लेके डिस्चार्ज दे दिया जी. ये सब जो हो रहा है ना ये लोगों ने भी समझना चाहिए अभी एक लेडी का फोन आया कि मैंने इतना इतना बिल दिया जी. जब आप हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हो आप पूछते हो कि नहीं दूसरी चीज कैप वाली बात अभी 10 कॉल्स आ जाए हैं कि मैडम वो जो गवर्नमेंट का कैप है उसमें हमको नहीं मिला तो हमको बोला गया था रिफंड आपको जब तक ZM जोनल मेडिकल ऑफिसर का रेफरेंस लेटर नहीं रहता है जी. और वो आप वहाँ देते नहीं हो आप उस कैप में बैठते नहीं हो जी. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हो तो कृपया करके अब क्या नाउ इट इज बिकम अ रूटीन कि मुझे 2 लाख लग गए 2.5 लाख लग गए और सब लेके आ जाते हैं बिकॉज प्रशासन ने बोला था ना कि रिफंड करवाएंगे अरे जब जाते हो तब नहीं देखते हो जी. फिर 7 दिन बाद आता है कि अभी तो मैं बिल भर रहा हूँ और अभी मैं ये कर रहा हूँ मेरे को इतना रिफंड करवा देना ये गलत है ना जी. इसीलिए रेफरेंस लेटर लीजिए ZMO के अगर आपको सही में कैप में आना है तो अंडरस्टैंड द होल सिस्टम यूज द नेट प्रॉपरली बिकॉज ICMR गाइडलाइंस में सब कुछ क्लियर है व्हाट फॉल्स इन द कैप व्हाट डज नॉट वेयर वी कैन गो व्हाट ये अब प्राइवेटली जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 7वें 8वें दिन हमारे पास फोन करते हैं मैडम अभी तो सीरियस हो गया सिम्टम ये नहीं किया हुआ ही नहीं तो प्लीज गो टू डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स वेयर दे अंडरस्टैंड कोविड ट्रीटमेंट बिकॉज स्मॉल डिस्पेंसरीज एंड ऑल आर जस्ट गिविंग ट्रीटमेंट्स बट समटाइम्स द पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर बॉडी गेट सीरियस सो काइंडली अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो काइंडली गो ऑन द पोर्टल हु अंडरस्टैंड दिस सोशल मीडिया ICMR government portals everywhere they are saying download your Arogya Setu app some say it does not work properly some say it does work very properly again that could be 50 60 70 whatever but all these things har bar sirf sarkar murkh nahi rehti ya har bar hum sirf hum murkh nahi rehte ji mili juli ye hai ji kabhi galtiyan hamari hi kabhi galtiyan unki hai aur ek prof जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या जो गवर्नमेंट का है दे हैव अ सर्टेन प्रोटोकॉल वो बाबूगिरी वाला काम जो है वो जाता ही नहीं जी. हालांकि अभी पैंडेमिक और एपिडेमिक एक्ट में दोज रूल्स शुड बी बेंट अ लिटिल बट अगर वो नहीं हो रहे तो वी नीड टू फाइंड इजी सॉल्यूशंस क्विकली बट पीपल आर पैनिकिंग और आधे जो है यंगस्टर्स की जैसे सर ने बोला घबराहट के मारे वो हार्ट पे प्रेशर आ रहे हैं घबराइए मत
सब कुछ अच्छे से पढ़िए, अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो हमें हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे अच्छे से, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, हम सब कुछ बताएंगे, हम आपकी मदद करने आए हैं, प्रोवाइडेड आपको वो मदद हमारे से लेनी होगी, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं, हम दिन रात आपकी सेवा में हैं, लेकिन आपको हमको कॉल करना है, वो मदद लेनी है। और हर चीज का, हर इसका एक महत्व अपना अपना होता है, उस महत्व को समझिए, अच्छी से रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटिए, एक दूसरे को समझाइए, और अगर कोई आपके परिचित भी पैनिक या कुछ इसमें हो रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज कोरोना, हाउ टू डील विद इट। कैन आई आस्क यू द नंबर? जी, ओ या, द नंबर इज 25। ओके, देखो मुझे भी बायाट नहीं है क्योंकि मैं कॉल्स अटेंड करने में इतनी बिजी रहती हूं, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट रिमूविंग द मास्क फॉर अ मिनट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ आई एम ब्रेथलेस, आई विल जस्ट गिव यू द नंबर। यस जी, लेकिन एक बात जो आज यू नो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से समझ में आ रही है, हम आपको यू नो नंबर्स देंगे, मोबाइल पे ही है, जी 07 0712 बनाएंगे सर, 0712 2545 जी 545473 दूसरा नंबर है 0712 2567021 और एक बार रिपीट कर रहा हूँ 0712 2567021 तीसरा नंबर है 0712 2532474 0712 2532474 Finally, we got the numbers. I have it on the mobile. See? Yes, no, so, good one, ma'am. And I just want to thank you, and I want to thank all the members, all the volunteers of Together We Can. कि आप लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं इस शहर के लिए, इस शहर से कोविड जाए. You are the frontline warriors, and हम आपको जितना भी धन्यवाद करें, वो धन्यवाद कम होगा. नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं है. We have come forward ourselves. हम अपने शहर की मदद करना चाहते हैं, अपने प्रियजनों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम आगे आए हैं। बस रिक्वेस्ट करेंगे, बिहेव रिस्पॉन्सिबली, बिहेव वेल, अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, एज अ नागपुरियन, एंड लेट अस ऑल टुगेदर हेल्प नागपुर ब्रिंग डाउन द नंबर्स। वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नंबर्स, स्पेशली द डेथ नंबर्स। सो 4 T's, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। These are the 4 T's which I will end with. Early tracing, early tracking, please don't hide it. Come forward, ask your people who have come in contact with you if you're positive to come and test immediately, private, government, whatever. Then there is early treatment that we have to give. And if there is early testing and treatment both, we all can win over corona and we can win this war of corona and leave it behind very soon. So till Diwali, I hope the Nagpurians please support us. Be with us, be happy, but be responsible. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Joseph sir, you like to end this with? Same thing. कोई त्यौहार नहीं, कुछ नहीं, सब परिवार के साथ में रहना है, खुशी रहना है, एक मेक के साथ में सबको रहना है, कोई जात पात नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, सिर्फ अपने को फाइट करना है, और जितना अवेयरनेस फैला आपस में, पड़ोस में, दोस्तों में से अवेयरनेस फैलाइए, और जो 4 T मैडम ने बोली, वो 4 T के प्रिंसिपल को अपने को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। लास्ट थिंग इज, त्यौहार एक साल नहीं मनाए ना तो कोई हर्ज नहीं, अगले साल इतने धूमधाम से नागपुर मनाएगा, है ना, जी, तब तक के सब कुछ बन जाएगा, राम मंदिर भी बन जाएगा, सब बन जाएगा जी, तो तब हम डबल मना सकते हैं खुशियाँ और डबल संदल बजा सकते हैं। तो इस साल की गणेश चतुर्थी भले ठंडे रही हो, अगले साल जब बाप्पा आएंगे तो कोरोना फ्री नागपुर में आएंगे, तब धूमधाम से गणपति बाप्पा मौर्या बोलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहरहाल आज नागपुर महानगर पालिका के कोविड केयर कॉल सेंटर में हमें पता चला कि किस किस्म का काम किया जा रहा है, किस किस्म की बातें शायद नागपुर अब तक सचेत नहीं हो पाया है, और टुगेदर वी कैन नाम के इस 150 NGOs के मिश्रण की जो एक कोशिश है, वो कोशिश यही है कि नागपुर कोविड फ्री बने। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैंने भी अपनी एंटीजन की रिपोर्ट ली, देखी, मैंने अपना टेस्ट करवाया। मेक द कॉल्स आल्सो, राज इज हियर द होल डे मेकिंग कॉल्स टू द कोविड पेशेंट्स, एंड राज का आवाज सुनते ही लोग इतने खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू, एंड यू गिविंग योर टाइम, दैट मींस अ लॉट टू अस। थैंक यू मैम, प्लेजर। सो आज मेरी रिपोर्ट आई कोविड की, एंटीजन की रिपोर्ट थी,
और मुझे बहुत दिनों से डर लग रहा था इस बात को लेके कि पता नहीं मेरी रिपोर्ट अगर कल को मैं कहीं जाके टेस्ट कराऊंगा तो शायद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए और पॉजिटिव आ जाए और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शायद मैं अपना शो ना कर पाऊँ। मैं बहुत डरा हुआ था बहुत दिनों से, क्योंकि आप अगर मेरा शो देखें तो मेरा शो वाकई में जिस किस्म का मैं शो कर रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स भी हैं वीना चोइत्रमानी, साइश पडोले, समीक्षा पडोले, शर्वरी, देर आर सो मेनी पीपल, देर सो मेनी पीपल हु कीप ऑन यू नो जस्ट मैसेजिंग मी, एडवोकेट रामनिक, डॉक्टर सारा चिमधन वाला, देर आर सो मेनी पीपल, मोनिका भगवागन मैम, डॉक्टर राकेश कृपलानी, देर आर सो मेनी पीपल हु कीप ऑन टेलिंग मी राज मास्क पहनो, राज यू नो डोंट गो टू सच प्लेसेस, डोंट गो टू सतरंजीपुरा, डोंट गो टू मोमिनपुरा, डोंट गो टू यू नो प्लेसेस वेयर इट्स क्राउडेड एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आई हैड टू डू दिस शो एंड आई हैड टू टेक द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू, हैव टू नो मुझे वो सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर आनी है। ये मेरा काम है और मैं ये काम रोज़ शाम को 7 बजे करना शुरू करता हूँ। लेकिन आज जब मैंने अपनी रिपोर्ट के लिए मैं गया, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं खुद डरा हुआ था। और मैंने जब यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो मेरे साथ, मैं भी यहाँ पर दिन भर रहता हूँ, कॉलिंग्स करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, पॉजिटिव पेशेंट से बात करता हूँ, और वो मुझसे बड़ी अच्छे लोग के बात करते हैं, पर यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनकी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है और उनकी नेगेटिव आई है रिपोर्ट। तो मैं उनसे जब मैं जा रहा था तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि राज भाई आज तो ना आपका पत्ता कटेगा, आप तो भाई यू नो अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव या राइट नाउ बिकॉज आई एम इन टू एन एनवायरमेंट शर्वरी वेयर देर इज मास्क नॉट रिक्वायर्ड, आई एम वेरी इन टू अ वेरी सैनिटाइज जोन एंड देर इज नो बडी अराउंड हियर, सो आई सोशल यू नो डिस्टेंसिंग का बहुत सुपर पालन हो रहा है। बट देन व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज पीपल वाज सेइंग दैट यू नो पीपल वाज केयरिंग मी, दे वर पुलिंग माय लेग, बट देन आई रियली गॉट स्केयर्ड एंड फाइनली आई वेंट फॉर अ रिपोर्ट टुडे एंड माय रिपोर्ट्स केम नेगेटिव, सो आई थैंक गॉड। बट देन आई एम रियली कंसर्न्ड, यस आई एम रियली कंसर्न्ड एंड आई एम रियली 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 रिक्वेस्टिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती हैं, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और वो किसी बड़े अस्पताल में या फिर GMC में जाके और IGMC में जाके और जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके अपने आप को जमा कर देते हैं, मतलब एडमिट हो जाते हैं, और वो एडमिट होने के बाद जो हकदार होता है, जो वाकई में तकलीफ़ में होता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, उनको फिर बेड नहीं मिल पाता। डोंट प्ले विद पीपल, प्लीज़ डोंट प्ले विद पीपल, डोंट प्ले विद लाइफ। आपको पता है आप एसिम्टोमेटिक हो, आप घर पे रह सकते हो, घर पे रहो, घर पे अपने आप को आइसोलेट रखो और हॉस्पिटल में जाके घबरा कर या बस छोटी सी एक इशू है, खांसी हो रही है, हल्का सा बुखार है, उसके लिए आप हॉस्पिटल में जाके एक जगह को आप यूज़ ना कर लें। हो सकता है कि किसी के यू नो फादर या किसी की मदर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो और उनको हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल रहा, प्लीज़ ये अवेयरनेस अब तक पहुँचाइए, यही निवेदन है आपसे। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कोविड से रिलेटेड हैं, कोविड से रिलेटेड कई सारे सवाल कल कोई पूछने वाला है। इज इट ऑल अबाउट गॉड्स और इज इट ऑल अबाउट द ग्रीड, वी समबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस टुमारो। द पर्सन इज अ लॉयर, इज अ वेरी पॉपुलर लॉयर ऑफ द सिटी, हिज नेम इज एडवोकेट सुदीप जायसवाल। कल वो कोविड से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछने वाले हैं, हो सकता है कि वो कई सारे सवाल आपको भी डिस्टर्ब करें और मुझे भी, लेकिन वो सवाल पूछना हर किसी का अधिकार है और वो सवाल पूछने के लिए कल एडवोकेट सुदीप जायसवाल और मैं आपका इंतज़ार करेंगे यहीं पर। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदा रहें। जय हिंद।